उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए, और याद रखिएगा आप सभी बच्चों के लिए 1 अगस्त से जो यूपी पुलिस है उसके लिए एक बैच आ रहा है, एक बैच जो है एसएससी मेकर परिवार आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। कब से? तो याद रखिएगा 1 अगस्त से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, शिवानी, शिखा, अरविंद, ज्योति, तितली, प्रीति, अमन, अर्जुन, बीना, कुंदन, रंजन, पीकू, चांदनी, अमन, ओके, सुमित, जितेंद्र, संदीप। चलिए बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास को शुरू करते, याद रखिएगा यहां हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहां करने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आए हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिल रहा है उसे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिल इन द ब्लैंक्स में है, बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बाज लोकेटेड इन ब्रह्मवर्त, विच इज प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक आश्रम था ब्रह्मवर्त, किसका? महर्षि वाल्मीकि का। इन्होंने लिखी है क्या? इन्होंने लिखी है रामायण, है ना, जो वाल्मीकि रामायण है वो इन्होंने इसी आश्रम में लिखी थी, ब्रह्मवर्त में। वो वर्तमान में कानपुर जो जगह है ना वहां पर है, ठीक है। और कानपुर में जो जगह है जहां ये है उसका मतलब वो स्पेसिफिक जगह कौन सी है, वो है आपका बिठूर। कौन सी वो है जगह? आपकी बिठूर कानपुर के पास में है, उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर इनका आश्रम था ब्रह्मवर्त, यहीं पर इन्होंने रामायण लिखी है, तो ये याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? इनकी कृति है पृथ्वीराज रासो, है ना, कौन सी? पृथ्वीराज रासो जो कृति है, आपको बताना है कि आप एक मतलब किसी ने जिसने लिखी है, मतलब यह पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो जो है यह किसने लिखी है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है। Who has mentioned the heroic death of पृथ्वीराज चौहान in his work पृथ्वीराज रासो? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका दूसरा, बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा बालक, बता रहा हूं मैं, है ना। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, चंद्रवरदाई। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंद्रवरदाई, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। घनानंद कौन था? तो याद रखिएगा क्या नाम था उसका, घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक। किसका? नंदवंश का
अंतिम शासक था ये, किसने हराया था इसे, घनानंद को किसने हराया है ये आपसे पूछ रहा है, मतलब मैं पूछ रहा हूं बताओ किसने इसे हराया है, ठीक है। और नंद वंश के बाद मगध पर कौन सा अगला वंश स्थापित हुआ था वो आपको बताना है। अगला है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के फिलिंदा ब्लैंक्स में हुआ था। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह है जहां पर मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है, कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। नेशनल पोएट मैथिली शरण गुप्त बाज बोर्न इन फिलिंदा ब्लैंक्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है जहां पर ये है ये आपको बताना है, ठीक है। बढ़िया, गजेंद्र, संघ, अर्जुन, केशव, जितेंद्र, ठीक, विक्रांत, बढ़िया है ना। क्या हो जाएगा तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश की जिस जगह हुआ है वो है झांसी। क्या है वो है झांसी, कमेंट में लिखकर बताओ। झांसी से जो है 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये इनमें से किसने किया है झांसी से, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक, बताओ। इनका जन्म हुआ था झांसी में, ये याद रखना। आगे, मथुरा कला विद्यालय फिलिंदा ब्लैंक्स काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, मौर्य, कुषाण, मुगल और सल्तनत। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य, कुषाणा, मुगल और सल्तनत, बताओ जरा। क्या है पूछ रहा है, इनमें से जो मथुरा कला शैली है, मथुरा जो कला है मतलब एक कहते हैं इसे ऐसे बोलते हैं जैसे कि कला है ना तो उसे मथुरा स्कूल बोल देते हैं, है ना, आर्ट फॉर्म होता है, जैसे गांधार कला है, जैसे मथुरा कला है, तो ये किस एक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अपने उच्चतम स्तर पर थी, ये पूछ रहा है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, बढ़िया, बता दो जरा। और किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी बता सकता है कमेंट में लिखकर, किसी को कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या है तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, है ना। चलो आगे देखें क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कुषाण। क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कुषाण, तो ये याद रखिएगा, ठीक, कुषाणों के समय। आगे, कुषाणों, अच्छा एक बात बताओ, जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन था, अगर आपसे पूछा जाए जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन है, बताओगे जरा, कुषाण वंश का संस्थापक जो है ये कौन है, बताओ, ठीक है। गुलशन, पूजा, बाबी, शोभा, शिखा, जितेंद्र, माया, अमित, ज्योति, अर्जुन, राजन, बालक, ठीक, बढ़िया है ना। क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो संस्थापक है वो है भीमकटफिशेस। क्या हो जाएगा, भीमकटफिशेस, तो ये याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, भीमकटफिशेस, ठीक। अच्छा, कुषाणों में जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है क्या नाम है उसका, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी, कमेंट में लिखकर बताओ किस जगह पर, स्थान कौन सा है ये आपको बताना, ठीक। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के फिलिंदा ब्लैंक्स में से कौन सी जगह पर, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। द भितरगांव टेम्पल मेड ऑफ टेराकोटा ब्रिक्स इन द गुप्ता पीरियड इज लोकेटेड इन ऑफ द फिलिंदा ब्लैंक्स, सॉरी फिलिंदा ब्लैंक्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी, इनमें से भितरगांव का जो ईंट का मंदिर है वो कहां पर है वो बताओ, ठीक, बढ़िया, कहां पर है तो याद रखिएगा ये है कानपुर में, कहां पर है ये है कानपुर में, ये याद रखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हुआ था कुंडल वन में, कहां पर ये हुई है कुंडल वन में, कुंडल वन कहां पर है, कुंडल वन है कश्मीर में, कुंडल वन कहां है, कुंडल वन है कश्मीर में, तो ये याद रखना, कुंडल वन कहां है, कश्मीर में। चलो आगे, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण फिलिंदा ब्लैंक्स द्वारा किया गया, इनमें से किसके द्वारा जो है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया है, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया और मोरोपंत पिंगल। विश्वनाथ टेंपल ऑफ वाराणसी बाज बिल्ड बाई, इनमें से किसके द्वारा जो है विश्वनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया गया है और कब, तो याद रखना 1780 में, कब किया है इसका निर्माण, इसका निर्माण हुआ है 1780 में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है, बढ़िया।
कश्मीर में कुंडलवन, देखो चार बौद्ध संगति हुई है जिनमें पहली जो है यह हुई है राजगृह में, ठीक है, जो दूसरी है यह हुई है वैशाली में, ठीक, जो तीसरी है यह हुई है आपकी पाटलिपुत्र में, कहां हुई है पाटलिपुत्र में, चौथी मैंने आपको बताई अभी कुंडलवन में। इन सब की अध्यक्षता किस किसने की है, इन सब की अध्यक्षता जो है यह किस किसने की है यह पूछ रहा है, बता जरा किस किसने की है, ठीक, बढ़िया, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, सीजीएल के लिए क्या दिक्कत है, सीजीएल में कुछ ऐसा है थोड़ी, मतलब ये क्वेश्चन उसमें रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, आए हैं, पर ये यूपी के लिए बहुत जरूरी है, जो यूपी पुलिस है और दिल्ली पुलिस, इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है ये बनवाया है रानी अहिल्याबाई ने, किसने, इसका जो निर्माण करवाया है ये करवाया है रानी अहिल्याबाई, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस, इलाहाबाद और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 7, क्या है क्वेश्चन है आपका 7, बताओ। अरे ये पुलिस स्पेशल ही है, तुम किसी भी पुलिस की तैयारी कर लो, लौट के इसी क्लास में आना है तुमने, है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते। आर्या, चलो ठीक है, भुवम, ललिता, अमिरुल, आर्यना, ठीक है, लोकेश, बहुत अच्छे, संदीप, मनीष, देखें। अच्छा, सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो भी इलाहाबाद, ठीक है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो ये 1887 में स्थापित हुआ है, अगर पूछा जाए एस्टेब्लिश कब हुआ है, 1887 में। एक बात और याद रखना, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना वो 1875 में मोमडन एंग्लो यूनिवर्सिटी के नाम से है ना बनी थी, ठीक, लेकिन इसे केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है ये 1920 में, ठीक है, 1920 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था, ठीक, यानी विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 1920 में मिला है, इसलिए ये इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है आपका इलाहाबाद, क्या है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, इनमें से किसे पूर्व का गिरास इसके नाम से जानते हैं, बताओ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज ग्रास ऑफ द ईस्ट, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। हां, एक चीज और बताओ, जो BHU है, क्या है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना करने वाला कौन था, ये और बता दो, बस बाकी काम हो जाएगा। कुंदन, चांदनी, संतोष, महक, वर्षा, माया, ठीक है, बहुत अच्छे, पेन पेपर लेकर बैठना, है ना, पेन पेपर लेकर बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, यहां हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी आपके यूपी और दिल्ली में पूछ चुका है ना, दोनों में, इसलिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं, तो याद रखिएगा पूर्व का ग्रास जो है यह कहा जाता है कन्नौज को, किसको, कन्नौज को, कन्नौज का एक पुराना नाम भी है, इसे बोलते हैं कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज या काव्यकुब्ज ऐसा कुछ करके नाम है इसका प्राचीन, कन्नौज, कन्नौज पर क्या करने के लिए, अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था किनके बीच, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, इनके बीच में, ठीक है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालों के बीच में यह युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध चला था, जिनमें पाल की ओर से इसमें भाग लिया था किसने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है बताओगे, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है ये बताओ। आगे, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, इनमें से किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान,
विच नेबरिंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ठीक, बढ़िया। मदन मोहन मालवीय ने किया था, बहुत अच्छे। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इत्र नगरी भी कहते थे। हाँ बिल्कुल, जो कन्नौज है उसे इत्र नगरी भी कहा जाता था। जो धर्मपाल है उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है उसने कराई है, ये याद रखना। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उसने क्या की है? उसने की है, ये याद रखना। ठीक, चलो आगे। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं? ये कहते हैं भूटान को। किसको ये कहा जाता है? भूटान को, ये याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे। विनोद, ज्योति, सुमित, रामराज, नागेंद्र, कुलदीप, दीप, शिखा, गोल्डी। चलिए आगे। अच्छा एक बात और बताओ, इन सबकी राजधानी बताओ। ये जो है इन सबकी कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या क्या है इन सबकी राजधानियां, तीनों चारों की सबकी। ठीक, राकेश, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? इनमें से किस देश में जनहित याचिका जो है इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई? हमने किस देश से ली? और हमारे यहां जो जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसको हमारे यहां जो है किसने या इसका जनक भारत में किसे कहते हैं? किसने भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया था, ये बताओ। 1540 का कन्नौज का युद्ध, हाँ, जो जिसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, जिसके बाद हुमायूं को जो है 15 साल तक भटकना पड़ा था, और उसके बाद 5 साल शेरशाह ने, और उसके बाद 10 साल उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। लगभग 15 साल तक जो है सूर राजवंश जो है उसने शासन किया। सूर राजवंश जो है ये दूसरा अफगान शासन था। इससे पहले वाला कौन था? वो था लोधी। ठीक है, ये याद रखना। चलो बढ़िया। नेपाल की काठमांडू, बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी क्या, बताओ जरा। नेपाल की तो काठमांडू है, बांग्लादेश की ढाका है। ठीक, चलो ठीक। अच्छा, जनहित याचिका जो है इसकी अवधारणा जो है ये उत्पन्न हुई है अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अमेरिका से जो है हमने ग्रहण की है। और अगर भारत में इसके जनक की बात करें तो ये थे PN भगवती। कौन थे? ये थे PN भगवती, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे? PN भगवती। चलो आगे देखते हैं और कुछ। अच्छा एक बात बताओ, चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो क्या है? अच्छा, और अमेरिका से हमने अपने संविधान में और क्या क्या लिया है? तो देखो, अमेरिका से हमने लिया है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके अलावा हमने लिया है इससे आपका जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद, इसके अलावा हमने इससे लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने इससे लिया है। ठीक है, ये याद रखना। सेजल, सोनू, अर्जुन, अर्जुन, राधा रानी, पुष्पा, तरसीम। हाँ, अगर सीमा रेखा की बात करें भारत के साथ, ये है मैकमोहन। एक्चुअल में जो मैकमोहन रेखा है ना, ये हमारी तिब्बत के साथ थी। किसके साथ थी? तिब्बत के साथ थी, लेकिन तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो अब भारत और चाइना के बीच में, किसके? भारत और चाइना के बीच में है, ये याद रखना। ठीक है, बढ़िया। ठीक, चलो। पंकज, किमोनो एक एशियाई परिधान है, ये परिधान शैली है कहां की? चलो मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूं, उसे देख के बताओ, शायद समझ जाओ। समझ पाए तो अच्छी बात है। डाउनलोड भी हुआ था कि नहीं हुआ था? डाउनलोड ही नहीं हुआ, कोई नहीं, रहने दो फिर, छोड़ो, है ना। राकेश, क्या हो जाएगा? किमोनो जो है, मतलब आपने देखा होगा जैपनीज को पहनते हुए, जैसे ऐसे पहनते तो उनका ये कपड़ा लटका रहता है, लेडीज वगैरह को मोस्टली देखा होगा, लड़कों को भी देखा होगा, है ना। तो ये कहां की है? ये जापान की है। कहां की? जापान की। अच्छा, जापान की राजधानी बता सकते हो? और जापान की मुद्रा,
जापान की मुद्रा बताओ जरा एक बार, और जापान की राजधानी दोनों बताओ। जापान की मुद्रा और जापान की राजधानी दोनों बतानी है। ठीक, सही है। रूबी, अनिल, परम, अजय, सोनिया, आशुतोष, शादाब। ठीक, आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती हैं? मतलब अगर आप भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हो ट्रेन के जरिए, तो कितनी ट्रेन है जिसके जरिए आप जा सकते हैं? ठीक, उसकी जरूरत मुझे लगता नहीं फिलहाल। मुझे टोक्यो और एन, बढ़िया है ना, जब होगी तब देखेंगे, है ना। चलो अच्छा, कितनी ट्रेन है जो भारत से अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो जा सकते हो बाया ट्रेन? सही है, कितनी है? तो याद रखिएगा ये हैं दो। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा एक है थार एक्सप्रेस और एक है आपकी कौन सी, समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, ये याद रखना, ये दोनों हैं। ठीक है, चलो। अंशु, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इनमें से कौन सी एक जगह है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये बताना। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बताओ किस एक इंडियन स्टेट से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा मतलब, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया। हाँ चलो, बढ़िया है ना। क्या हो जाएगा? तो जो कर्क रेखा है ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, किन किन से गुजरती है ये बताओ। जो कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से गुजरती है ये बताना। बताओ जरा किन किन राज्यों से ये गुजरती है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक है हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट, ये क्या, ये यामोत्तर है ना, भारत की मानक रेखा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा जरा बताओगे? भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है ये बताओ, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। आगे, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई। देखो जो ब्रिटिश शासन है उसका विस्तार भारत में जो है सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था। पूछ ये रहा है कि जो सहायक संधि है वो इनमें से किस एक के समय पर प्रारंभ हुई। ठीक है, बढ़िया। क्या हो गया, एक मिनट ना। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, करो तैयारी करने में क्या ही जा रहा है ना। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, बढ़िया। कर्क रेखा की और यामोत्तर, यामोत्तर के लिए क्या है, यामोत्तर के लिए कुछ होगा ना। हाँ अच्छा, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड बेलेजली। क्या हो जाएगा ये? हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलेजली, तो ये याद रखिएगा। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। इनका विश्वसनीय शिष्य जो है ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये 10वें सिख गुरु थे। कौन से थे? ये 10वें सिख गुरु हैं, ये याद रखिएगा। पहले थे गुरु नानक देव। कौन थे? पहले थे गुरु नानक देव, तो ये याद रखना। पहले कौन थे? पहले थे गुरु नानक देव। ठीक अच्छा, रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गुरुबाज डिसबैंडेड एंड द लीडरशिप ऑफ द सिख बाज हैंडेड ओवर टू हिज फेथफुल डिसिप्लिन। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ऐप पर लाइव मेरी 12:30 बजे क्लास है, 12:30 से 1:30 है ना। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, ये थे बंदा बहादुर जिनके हाथ में कमान गई थी। कौन थे? ये थे बंदा बहादुर, ठीक है। अमन, राम, राज, चलो ठीक है। शिवानी, पुष्पेंद्र, शादाब, शिवा, संदीप, शिखा, सचिन, नित्या, ठीक है, बहुत अच्छे। और किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक है लंगर प्रथा, सिखों में ही है, जिसे स्टार्ट कराया था गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। इसे स्थाई किसने कराया, ये बताओ, ठीक है। एक चीज ये बताओ, गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म कब हुआ? जो गुरु नानक देव जी हैं इनका जो जन्म है ये कब हुआ, ये बताना, ठीक है, बताओ जरा कब हुआ। अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद और चौधरी रहमत अली। द नेम पाकिस्तान वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा कॉइन किया गया? यह किया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा यह कॉइन किया गया है, तो यह याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? रहमत अली के द्वारा, ठीक, ओके। आगे कब किया गया जरा यह बताओ, अगर आपको पता है कब किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को फ्रिंदावलेंस के विरोध में छोड़ दिया, इनमें से किसके विरोध में? गुरु गोविंद, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। कैबिनेट मिशन, जलियांवाला नरसंहार, रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ, बताओ। 17, ठीक है, बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो इन्होंने त्याग दी थी जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में भी हुआ था, यह याद रखिएगा। मतलब पूरी डेटा 13 अप्रैल 1919, हाँ ठीक है, है ना। और जब इन्हें पता चला था, यह मई या जून में इन्हें पता चला था, तब इन्होंने जो है इसे त्याग दिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, और इसी के चलते संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ? जो संविधान सभा है इसका गठन हुआ है। रोलेट एक्ट आया था 1917 में, है ना, सॉरी, इसी के विरोध में हो रहा था, ये 1919 का है ना। इसी के विरोध में जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां बैसाखी मना रहे थे कई लोग, मतलब जो उसके उसी के बराबर में एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था, तब जाके तब जो है ये घटना हुई है, ये याद रखना। सचिन पाल, ठीक। हाँ, साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1927 में गठित हुआ है ना। लेकिन अगर बात करें कि ये भारत कब आया है, तो याद रखना ये भारत आया है 1928 को। भारत कब आया है? भारत आया है ये 1928 को, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, या उद्गम स्थल किस राज्य में है? पहले तो पहाड़ी बताओ जहां से यह निकलती है, और राज्य बताओ, दोनों चीज आपको बतानी है, ठीक है। बिहार पुलिस के ये है, कर लो। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, ये बताना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। द ओरिजिन ऑफ रिवर गोदावरी इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 18, बढ़िया। बहुत अच्छे। साइमन कमीशन जो 1919 में अधिनियम आया था, एक है ना, उसको रिव्यू करने को आया था, और यह देखने को आया था कि भारतीय जो है वो संविधान वगैरह बनाने के लिए अभी तैयार हुए हैं या नहीं हुए, है ना, उसके लिए आया था ये। और इसी की रिपोर्ट चल के 1935 का आधार बनी थी, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, वो उसका आधार ही है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928। जब यह साइमन कमीशन आया था 1928 भारत में, तब इसका विरोध किया गया था। विरोध के चलते लाठीचार्ज हुआ, जिसमें जो लाला लाजपत राय जी थे ना, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इतनी चीज आपको याद रखनी है, याद रखोगे कोई दिक्कत तो नहीं है। गोदावरी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र से, कहां से? ये निकलती है महाराष्ट्र से,
और जो इसका उद्गम है ये है आपका गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर। क्या है? ये है त्र्यंबकेश्वर, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलो बहुत अच्छे। तुमको बड़ी तकलीफ हुई क्या बात बालक? कलेजे पे सांप लौट गया तुम्हारे? तो होना नहीं चाहिए ऐसा, होना नहीं चाहिए ऐसा, बताओ जरा। ठीक, अच्छा आगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का, बुलर। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है ये बताना है, भारत की, है ना? ठीक, हाँ। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है बताना जरा, और महाबलेश्वर से, है ना? ब्रह्मगिरी और महाबलेश्वर। ठीक, बढ़िया। चलो बेहतरीन है, है ना? क्या हो जाएगा? तो मीठे पानी की झील अगर भारत में देखी जाए तो ये है बुलर। बुलर झील है किस राज्य में ये बताओ। लोकटक कहां की है? तो याद रखिएगा ये है मणिपुर की। ठीक है, डल झील है जम्मू कश्मीर की, चिल्का है ओडिशा की, बुलर कहां की है ये बताना। ठीक है, अच्छा अगर महाबलेश्वर की बात की जाए तो यह है कृष्णा, और ब्रह्मगिरी की बात की जाए तो यह है कावेरी। ठीक, बढ़िया। आगे, भारतीय संविधान में कानून की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक फिल इन द ब्लैंक्स के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। द प्रोसीजर लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें कानून की निर्धारित प्रक्रिया की, अगर हम बात करते हैं यानी कि प्रोसीजर, और मतलब जो लॉ का प्रोसीजर है वो, इनमें से किस एक संविधान द्वारा प्रभावित है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका 20, किससे लिया है? विधि की प्रक्रिया, बेसिकली इसे ऐसे कह सकते हैं अगर आप और शॉर्ट में समझना चाहो तो, विधि की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये हमने किससे लिया है? जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है ये हमने किससे लिया है ये बता दो। ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि जापान। संविधान संशोधन जो है ये लिया है हमने दक्षिण अमेरिका से। राष्ट्रीय आया आपातकालीन उपबंध, ये लिए हमने जर्मनी से, और यूएसए से हमने लिए फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2006, 2007, 2008 और 2009, बताओ कब। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, किसके द्वारा? बढ़िया, वो तो रूट होगा ना, रूट वो था तो वो अलग बात है। एक उससे पहले भाई तो रूट जानते थे हम, नहीं सॉरी, वो से ऐसा नहीं है कि वहां से आया था, हो सकता है उस रूट से आया हो। वैसे जब तक वो आया था तब तक तो आपकी स्वेज नहर चालू हो गई थी, अच्छा खासा उस पर वो चल रहा था, है ना? मतलब अच्छा खासा बिजी रूट था वो, तो उससे आया होगा वो रूट, वो होगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, क्या है? शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका 2009 जो अधिनियम है उसमें आया था। देखो अगर बात करें राइट टू एजुकेशन की, है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002,
86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए आया था। ठीक, ये याद रखना। एक चीज और याद रखना यहां पर कि इसके चलते डीपीएसपी में संशोधन हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज में हुआ था, फंडामेंटल राइट में हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी ऐड कर दी गई थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट में एक पूरा आर्टिकल 21A इसे ऐड कर दिया गया था। किसे? आर्टिकल 21A को ऐड कर दिया गया था, यह याद रखना। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत अच्छे। हाँ, इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये याद रखना। याद रखिएगा, महावीर बैच है आपका बिहार पुलिस 2023 के लिए, इसे ज्वाइन कीजिए। साथ में याद रखिएगा, 1 अगस्त से आपके लिए यूपी पुलिस के लिए बैच लेकर आया जा रहा है। कब से? 1 अगस्त से आपके लिए यूपी पुलिस के लिए बैच आएगा, ये याद रखना। ठीक है, कब से? तो याद रखना, 1 अगस्त से। आगे, महाराजा सवाई जयसिंह ने फिलिंदा ब्लैक्स में खगोलीय वेधशाला स्थापित की। जो सवाई जयसिंह है उन्होंने इनमें से कहां पर वेधशाला जो है स्थापित की है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, निशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। हां, निशुल्क शिक्षा की बात की थी, बिल्कुल है, यकीनन है। ठीक, दिल्ली पुलिस के लिए है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए तो स्पेशली है ही क्लास ही आपकी, है ना? यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए तो स्पेशली है ही, है ना? दिक्कत क्या? अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 4 जगह स्थापित की थी, जिनमें से एक है उज्जैन, इसके अलावा एक आपको याद रखनी है वाराणसी, ठीक है, इसके अलावा एक आपको याद रखनी है जयपुर, दिल्ली और मथुरा। 5 जगह, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा। उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, 5 जगह हैं जहां जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई जो है ये किस रूप में मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार और विश्व मानव दिवस। हाउ इज 8 मई सेलिब्रेटेड? जो 8 मई है ये कब सेलिब्रेट हुआ है, ये बताओ। बहुत अच्छे, हाँ सही है, बताओ जरा इसके लिए सही जवाब क्या होगा। आठ मई को कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? रेड क्रॉस दिवस। अच्छा एक बात बताओ, मानवाधिकार कौन सा, मानवाधिकार जो है ये दिवस कब मनाते हैं? जो मानवाधिकार दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, बताओ जरा। क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, 10 दिसंबर है। कब है? 10 दिसंबर। ठीक, चलो आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? अगर 2011 की जनगणना को देखें उस हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या किस एक जिले की है उत्तर प्रदेश की, ये बताना है। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बताओ। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा सी, यानी कि प्रयागराज। कौन सा?
प्रयागराज ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब देश आजाद हुआ उसके बाद बटा भी, है ना। तो उसमें यह था कि जो जहां जाके जिस देश के साथ, भारत या पाकिस्तान जिस देश के साथ मिलना चाहता था वो उसके साथ मिल लेता था या मिल सकता था, है ना। उसमें कुछ आधार रखे थे कि एक तो लोकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, दूसरी उसका जन्मत संग्रह क्या कहता, मतलब वहां के लोग किससे जुड़ना चाहते हैं, है ना, ये, और या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ऐसा था। तो इनमें से कौन सा एक था जिसने घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान में मिलेगा लेकिन जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें वहां के लोगों ने यह कहा था कि नहीं हम भारत में रहना चाहते हैं। रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट और पोरबंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट हैड अनाउंस इट्स एक्सेशन टू पाकिस्तान इन 1947 बट वाज लेटर फोर्स्ड टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर प्लेबिसाइट। बताओ जरा, जनमत संग्रह के बाद, है ना, जनमत संग्रह के बाद क्या हुआ यह बताना, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि जूनागढ़। शेरशाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी, चौसा, कलिंग, कालिंजर, इनमें से कोई नहीं। वेयर डिड शेरशाह डाई व्हाइल फाइटिंग, है ना। शेरशाह जो है इसकी मृत्यु कहां हुई थी लड़ते हुए, है ना, जब ये युद्ध में था ना उसी समय इसकी मृत्यु हुई थी, जगह कौन सी है। जूनागढ़ वर्तमान में कहां पर है, जूनागढ़ जो है ये वर्तमान में कहां है ये बताओ। कहां पर है तो याद रखना, जूनागढ़ वर्तमान में कौन सी जगह। हाँ, ये जहां पर मरा हुआ मतलब जहां जिस युद्ध में ये लड़ते हुए मारा गया था वो है कालिंजर। कलिंग का युद्ध फेमस है अशोक के लिए, है ना, जब उसने 261 ईसा पूर्व में, जब उसने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, उसके लिए यह जाना जाता है। चौसा का जो युद्ध है यह आपका 1539 वाला फेमस है जिसमें हुमायूं और शेरशाह का जो है युद्ध हुआ था, जिसमें जो शेरशाह है यह विनर हुआ था, ठीक है। एक है आपका 1540 का बिलग्राम का और कन्नौज का युद्ध, ठीक है। शेरशाह की जो मृत्यु है यह 1545 में हुई है और यह अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है। देखो, टोडरमल नाम आपने एक सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा टोडरमल। जो टोडरमल है यह अकबर के दरबार में थे लेकिन अकबर से पहले ये शेरशाह के दरबार में थे। अकबर से पहले जो टोडरमल था ये शेरशाह के दरबार में था, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। मोड़दार पर्वत मतलब होता है आपका बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। हिमालय, रॉकी, अरावली, एंडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। इनमें से कौन सा एक फोल्डेड माउंटेन जो है उसका उदाहरण नहीं है यह बताना। समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, जो भी कहना चाह रहे हो क्लियर बोलो तो मेरे को थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा, है ना। 25 क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दूं। ये था कि जैसे जब वो हुआ था ना बंटवारा भारत का, तो उसमें ये शर्त रखी गई थी जो रियासतें थी उनसे कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल लीजिए या आप चाहें तो हिंदुस्तान में मिल लीजिए या आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रह के एक देश बनाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिश भारत के अलावा जो राज्य बचे थे, रियासतें बची थी वो, है ना। तो और उनमें यह कहा गया था कि जो भी अगर ये जैसे हैदराबाद था वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे पर उसकी लोकेशन गलत थी, है ना। जैसे बलूचिस्तान कह रहा था कि हम भारत में मिलेंगे उसकी लोकेशन भी गलत थी, है ना। तो लोकेशन, दूसरा जनमत संग्रह, वहां के लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इन दो आधारों पर हुआ था। तो जो जूनागढ़ है
उसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान के बराबर में, उससे बॉर्डर लगाता है ना, तो उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन वहां की जो जनता थी वो उन्होंने जनमत संग्रह किया कि नहीं हम जो है कहां होंगे, हम भारत में शामिल होंगे, तो उनका जो जनमत संग्रह है वो माना गया। ठीक है, ये याद रखना। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट में लिखकर बतानी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भी है आप बताओ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। जो अरावली है ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। किसकी है? प्री कैम्ब्रियन युग की है ये याद रखिएगा। और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। ठीक है, चलो। आपके यूपी पुलिस के लिए बैच 1 अगस्त से आएगा, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका यूपी पुलिस के लिए बैच। ठीक है, दोद्दा बेटा अरावली में कब से आई? नीलगिरी में क्या है फिर? अगर अरावली में है दोद्दा बेटा तो नीलगिरी का क्या है? गुरु शिखर है अरावली की। ठीक है, केटू भारत की है। अगर आप बात करते हैं हिमालय की तो वो तो एवरेस्ट है ना धीरज। चलो आगे, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इनमें से किसके द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिंह को। द मोती मस्जिद ऑफ आगरा बाज बिल्ड बाई किसके द्वारा करवाया गया बताओ? आगरा की मोती मस्जिद। क्या हो जाएगा ये याद रखिएगा, ये करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, एक मोती मस्जिद दिल्ली में है, एक मोती मस्जिद कहां है? दिल्ली में। इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है ये बताओ? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। कौन सा एक है? किस प्रकार की बुक है जिसमें जानवर, वनस्पति, कवक, मतलब अगर ये नष्ट हो रही हो, लुप्त प्राय हो, है ना, इन पर खतरा मंडरा रहा हो, तो उन्हें इसमें जो है क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये बताना, बताओ जरा किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका रेड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेड, तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? इनमें से कौन सी कोशिकाओं का भाग जो है वो पशु कोशिकाओं में नहीं होता ये पूछ रहा। ठीक है, केंद्रक, केशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स? इनमें से कौन सा एक भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता, बताओ? हाँ, बढ़िया, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि कोशिका भित्ति। निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? इनमें से कौन सी जाति है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, बताओ जरा। ठीक है ना, इनमें से कौन सी जाति है, हाँ, जिसमें बाह्य निषेचन होता है, बताओ जरा। इनमें से जिसमें बाह्य निषेचन है वो है मेढक। क्या है? ये है मेढक, ये याद रखना। ठीक है, चलो। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है इनमें से क्या? नागरिकों और विदेशियों दोनों को इनमें से क्या प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक, विधि, क्या सिविल? अब बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स हैव एक्सेस टू, सिटीजन्स और फॉरनर्स इन दोनों के पास एक्सेस है किस एक का, ये बताओ।
ऐप पर यूपी पुलिस की क्लासेस आपकी 1 अगस्त से चलेंगी। कब से? 1 अगस्त से, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि विधिक अधिकार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विधिक अधिकार। चलो आगे, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? लेटराइट मृदा, जलोढ़, काली और लाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? इनमें से कौन सा है जो कॉटन कल्टीवेशन, मतलब इनमें से कौन सी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बताओ। हाँ, बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा, मृदा कपास की खेती के लिए ये है आपकी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वताज्योति मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी और यूरोप में से चेर्नोबिल कहा जाता है, ये याद रखना है ना। आगे, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, जो वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसका उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक स्थानिक प्रजाति जो है इसका उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, गाय और मिथुन। मतलब इनमें से कौन सा एक उसका उदाहरण नहीं है जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा एक जानवर इस एक बात का उदाहरण नहीं है जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया? बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये है गाय। गाय कहीं भी मिल जाती है पूरे भारत में ना, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, है ना। आगे, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताना, बताओ कौन सा है। कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि उड़ीसा। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला है? किस प्रकार का कोयला है जो उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी? मतलब कौन सा कोल है जिसकी क्वालिटी हाईएस्ट है? बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट। देखो, कोयला चार प्रकार का है ना, एंथ्रेसाइट बेस्ट, उसके बाद बिटुमिनस, ठीक है, फिर है आपका लिग्नाइट, फिर है आपका पीट। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट भारत में कहां मिलता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र जगह है जहां पर एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का और खड़ताल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पंजाब इज मेड अप ऑफ सेवरल वुडन स्टिक? बताओ, है ना, जिससे मिलकर बना होता है। ठीक, चलो बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि चिक्का।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि चिक्का, तो ये याद रखिएगा ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है ये पूछ रहा, बताओ कब मनाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि 7 अप्रैल, कब 7 अप्रैल को ये मनाते हैं ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इस दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे ठीक है। ये है इंटरनेशनल योगा डे, चार जुलाई ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, एक है आपका 11 जुलाई, और ये क्या है, ये है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, क्या है विश्व जनसंख्या दिवस है ठीक है, याद रखना ठीक। चलो आगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो, इसके रचयिता कौन है, कहते हैं महात्मा गांधी एक भजन बहुत गाते थे वैष्णव जन तो वाला है ना, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, सूरदास मीराबाई ज्ञानेश्वर नरसिंह मेहता, हु इज द ऑथर ऑफ वैष्णव जन तो, वन ऑफ द महात्मा गांधी फेवरेट हाइम्स यानी कि भजन, आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या होगा। 39, सही है, किसका है, तो यह है नरसिंह मेहता का। आगे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, इनमें से कौन सा भाग है मानव शरीर का जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है, यह बताना, बताओ जरा कौन सा है? कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका सी यानी कि हड्डियां, जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये इससे हड्डियां प्रभावित होती हैं बॉडी की, क्या होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर आप बैठे होंगे, जो कुछ भी नया मिला होगा आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। एक काम और जो आपको करना है वो ये याद रखिएगा, आपकी ऐप पर क्लास चलेंगी 1 अगस्त से, कब से 1 अगस्त से आपकी ऐप पर क्लास चलने वाली है यूपी पुलिस के लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा बिल्कुल एकदम, है ना, याद रखिएगा। बिहार पुलिस 2023 के लिए महावीर बैच है 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो कोर्स क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट्स से मिलेंगे, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी ठीक है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मुक्ति बैच है 100% सफलता के लिए, एमटीएस 50 अगर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको ये 350 मिल जाएगा। लाइव क्लास है, वीडियो कोर्स क्लास नोट्स और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेगा ठीक है। अच्छा, एमपी पुलिस 2023 के लिए महाकाल बैच है एमपीपी 50 में आप इसे जो है कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो आपको ये 250 में मिल जाएगा ठीक है। चंडीगढ़ पुलिस 2023 के लिए केसरी बैच है 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए ठीक है। तो जो सीएचएसएल है इसे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन बैच उसके लिए ले लीजिए ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं, अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो इसके साथ जुड़ जाइएगा, साथ में याद रखिए कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन नहीं किया गया, आज नहीं किया, पर आपको अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, एसएससी में अगर सर्च कीजिए मिल जाएगा, यहाँ आपको डेली कुछ मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यहीं प्रोवाइड कराते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। पेन पेपर लेकर आप बैठे ही होंगे, जो कुछ भी नया मिला होगा आपने लिखा होगा, बस उसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।